निर्वाचन फलाफल प्रकाश परे बीजेपी उपरे सांघातिक अभियोग आणिले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। फलाफल प्रकाश दिन शेयर बजार जो 31 लाख कोटी क्षति होइछि ताको एक स्कैम बोली कहिछन्ति राहुल। सामाजिक सम्मेलन करिछन्ति कांग्रेस नेता और कहिछन्ति निवेशकंकु भुआ बुलाई मोदी शाह और सीतारमण कोटी कोटी टंकार स्कैम करिछन्ति। मिछो एग्जिट पोल प्रकाश करी निवेशकंकु कोटी कोटी टंका निवेश कराइबाकु परामर्श देथिले। राहुल कहिछन्ति बीजेपी पाखरे खबर थिला दलकु कम आसन मिलिबो, तथापि एग्जिट पोल रे अधिक आसन पाउथिबा मिछो खबर प्रचार करी निवेश करिबाकु प्रलोभित करथिले। फलाफल रे दल जेबे आशाठू कम आसन पाइथिला शेयर मार्केट भुसुड़ी पड़ा और 31 लाख कोटी टंका क्षति सहिबाकु पड़ा। पूरा घटना पछरे बीजेपी सुपरिकल्पित योजना थिबा कहिछि जेपीसी तदंत दाबी करा जाइछि। चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने दो तीन बार, चार बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए, और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था, तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है।